सो हाय गाइस वेलकम बैक टू माय एक्सपेरिमेंट्स। आज वीडियो के अंदर हम मेरे फ्रेंड के NS160 के पायलट बल्ब को इन एलईडी मैजिक बल्ब से रिप्लेस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स की सबसे खास बात यह है कि आप इनके बल्ब पर किसी भी कलर को अप्लाई कर सकते हो और फ्रेंड्स में आपको चार ट्रांजेक्शन मोड मिलते हैं, फ्लैश, स्ट्रोब, फेड और स्मूथ। और फ्रेंड्स आप इनकी ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और फ्रेंड्स आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इसे किसी भी लोकल बाइक एसेसरी शॉप से बाय कर सकते हो या आपको किसी भी लोकल बाइक एसेसरी शॉप में 250 रुपये में इजीली मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इसका गिव अवे रहेगा, तो फ्रेंड्स गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ये जो आप पल्सर NS देख रहे हो ये फ्रेंड्स मेरे एक फ्रेंड की पल्सर NS160 है। तो फ्रेंड्स पल्सर NS160 और पल्सर NS200 फ्रेंड्स दोनों में ही LED मैजिक बल्ब का इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको पल्सर NS160 पर LED मैजिक बल्ब को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो आप पायलट लैंप देख रहे हो फ्रेंड्स के जस्ट पीछे ही आपको इसका एक सॉकेट दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स उस सॉकेट को आपको बाहर निकालना है। तो फ्रेंड्स ये जो आप सॉकेट देख रहे हो फ्रेंड्स इस सॉकेट को आपको बाहर की तरफ निकालना है और सॉकेट पर से अपने पुराने वाले बल्ब को बाहर निकालना है और अपने नए LED मैजिक बल्ब को इंस्टॉल करना है। और फ्रेंड्स सॉकेट के अंदर डालने से पहले आपको की ऑन करके चेक करना है कि अपना जो LED मैजिक बल्ब है वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर ये वर्क नहीं कर रहा होता तो फ्रेंड्स आपको सिंपली इसे घुमा करके लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं सॉकेट के अंदर इसे डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स सेम आपको उस तरफ के पायलट लैंप को LED मैजिक बल्ब से ऐसे ही रिप्लेस करना है। तो फ्रेंड्स सेम आपको इस तरफ के सॉकेट को बाहर निकालना है और सॉकेट पर से पुराने वाले बल्ब को बाहर निकालना है और अपने नए LED मैजिक बल्ब को इंस्टॉल करना है। और फ्रेंड्स सॉकेट के अंदर डालने से पहले आपको की ऑन करके चेक करना है कि अपना जो LED मैजिक बल्ब है वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली इसे घुमा करके लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपना जो LED मैजिक बल्ब है वो वर्क कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे मैं वापस से सॉकेट के अंदर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स दोनों तरफ LED मैजिक बल्ब इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इस रिमोट कंट्रोलर की हेल्प से LED मैजिक बल्ब पर किसी भी कलर को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको रेड कलर को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने जो दोनों LED मैजिक बल्ब है वो रेड कलर के हो चुके हैं। अब मैं आपको ग्रीन कलर करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने जो LED मैजिक बल्ब है वो ग्रीन हो चुके हैं। ऐसे ही मैं आपको इस पर सारे कलर्स को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने जो LED मैजिक बल्ब है वो ब्लू कलर के हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप इस पर किसी भी कलर को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको फ्लैश ट्रांजेक्शन को अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने जो LED मैजिक बल्ब है फ्लैश ट्रांजेक्शन पर अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं आपको स्ट्रोब ट्रांजेक्शन पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने जो LED मैजिक बल्ब है वो स्ट्रोब ट्रांजेक्शन पर अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं आपको फेड ट्रांजेक्शन पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने जो LED मैजिक बल्ब है वो फेड ट्रांजेक्शन पर अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं आपको स्मूथ ट्रांजेक्शन पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपने जो LED मैजिक बल्ब है वो स्मूथ ट्रांजेक्शन पर अप्लाई हो चुके हैं। और फ्रेंड्स आप चाहें तो आप इस रिमोट कंट्रोलर की हेल्प से आप इन्हें ऑफ कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप चाहें तो आप इस रिमोट कंट्रोलर की हेल्प से इनकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी जो ब्राइटनेस है वो अब इंक्रीज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स पर्सनली मुझे तो ये LED मैजिक बल्ब काफ़ी अच्छे लगे। तो फ्रेंड्स गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आपको एक रैंडम कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स इसका रिजल्ट मैं मेरी इंस्टाग्राम ID पर अनाउंस करूँगा जब हमारे चैनल पर 5K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, देन करते हैं वीडियो को एंड। Like we've come to the end of the road.
There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।